चंपा देवी पार्क में आयोजित दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2021 का समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव स्मारिका अभ्युदय 2021 का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश एवं दुनिया में गोरखपुर को गौरव दिलाने वाले 10 महानुभावों को गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इसके पश्चात उन्होंने रामगढ़ ताल के निकट 75 मीटर 246 फीट का राष्ट्रीय ध्वज और पेडलेगंज से सर्किट हाउस रोड पर बनाए गए गौतम बुद्ध द्वार का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर 10 रुपए का डाक टिकट जारी होगा, जो गोरखपुर की पहचान होगा तथा उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल डायरी का लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि 16 जनवरी को देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अंतिम प्रहार कोरोना वैक्सीन के साथ ही प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष का लगभग 80% भाग हमने कोरोना से लड़ते जूझते बचते हुए व्यतीत किया है, लेकिन वर्ष 2021 हमारे लिए शुभ समाचार लेकर आया है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में यह लड़ाई मार्च 2020 से आरंभ हुई और सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए और उनकी जीविका को भी बचाने और नए अवसरों को प्रदान करने का कार्य किया गया है। साथ साथ कोरोना आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप ना लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जो मकर संक्रांति के तत्काल बाद प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव उस खुशखबरी की ही एक पहली मंजिल है, जिसका आयोजन करने का गौरव गोरखपुर के प्रशासन को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर विकास की ऊंचाई छू रहा है और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश प्रदेश की तरक्की की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुशीनगर में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल में शीघ्र सी प्लेन उतारा जाएगा, यह एक आधुनिक सुविधा है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का सकारात्मक प्रयास ही निरंतर नई प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा सहित पूरे प्रदेश में हर शहीद स्मारक पर कुछ न कुछ कार्यक्रम शताब्दी वर्ष के अवसर पर मनाए जाने हेतु व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जू शीघ्र प्रारंभ होगा, यह प्रदेश का सबसे खूबसूरत जू होगा। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम वर्ष 2018 से प्रारंभ हुआ है। एक जनपद एक उत्पाद योजना संचालित की गई है और यह योजना आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रहा है। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर व अध्यक्ष महोत्सव समिति ने मुख्य अतिथि सहित उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि महोत्सव में सभी विभागों की प्रदर्शनी, पूर्वांचल के महापुरुषों की प्रदर्शनी, स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। गोरखपुर में विकास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। ऑडिटोरियम का कार्य पूर्ण हो चुका है। एम्स का निर्माण अंतिम चरण पर है। सभी विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक ढंग से पूर्ण कराया जा रहा है। अंत में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सदर सांसद रवि किशन, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद, विपिन सिंह, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच पर हो रहा है और मंच पर पधार कर समापन अपने कर कमलों से करेंगे। एक बार जोरदार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, यशस्वी ओजस्वी, जिनकी गरिमा जिनका हर पल हर क्षण प्रदेश के विकास को समर्पित है। जोरदार तालियों से स्वागत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का महोत्सव के इस भव्य मंच पर। स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी के माध्यम से अभिवादन होना चाहिए हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री जी से कि कृपया अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
मुख्यमंत्री जी के कदमों से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि कृपया आपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। 2021 में मैं महोत्सव समिति की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर समापन कार्यक्रम हर समय में सुसज्जित इस आयोजन में इस बार कृषि मेला, उद्यान मेला, गुरु का सरस मेला एवं विभागीय प्रदर्शनी जो मंडल स्तर की है, विज्ञान प्रदर्शनी, पूर्वांचल के महापुरुषों महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद जी की प्रदर्शनी, गुरु गोरखनाथ जी की सचल प्रदर्शनी, सेमिनार इत्यादि कार्यक्रम किए गए हैं। इस वर्ष आयोजन आपके निर्देश के क्रम में स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता पर केंद्रित रहा और ये तीन हमें आपसे 3.5 साल में इन तीनों पर प्रेरणा मिली है और इसीलिए हमने सांस्कृतिक आयोजन के साथ सेमिनारों को जोड़ा है जिसमें देश और विदेश के प्रसिद्ध वक्तागण ऑनलाइन भी जुड़े हैं। इसमें हमने गो संरक्षण, आत्मनिर्भर पशुपालन पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रिवेंटिव केयर के महत्व पर, गोरखपुर को रेडीमेड गार्मेंट्स का हब बनाने हेतु और गुरु गोरखनाथ के दर्शन, योग दर्शन पर विचार सेमिनार किए हैं। इस बार रामगढ़ ताल परिक्षेत्र को और ध्यानाकर्षित करने के लिए महोत्सव का परिक्षेत्र परिवर्तित किया गया है और आशा करते हैं कि इसे जनमानस सहज स्वीकार करेगा और हमें अपना आशीर्वाद देगा। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे प्राप्त ऊर्जा, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की वजह से हम सभी आगे बढ़ पाए और ये संभव हो पाया है और इसलिए समय की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं आज उपस्थित माननीय मंत्री एनएसएमई सर का भी स्वागत करता हूं और उन्होंने हर समय में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहां उपस्थित हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। माननीय पर्यटन मंत्री भी मंच पर उपस्थित हैं। सर ने कल उद्घाटन भी इस महोत्सव का किया था और अपने आशीर्वचन देके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग इस पूरे महोत्सव के आयोजन का मूल स्तंभ रहा है और ये महोत्सव से ही हम चौरी चौरा के घटना के शताब्दी वर्ष के आयोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सर हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हम शताब्दी वर्ष में और अच्छा आयोजन एक वर्ष के लिए प्रदेश के प्रमुख प्रस्तुत कर पाएंगे। हमारे सांसद द्वय उपस्थित हैं, श्री रविकिशन शुक्ला जी से हमें और हमारे कलाकारों को प्रेरणा मिलती रहती है और हमारी त्रुटियों की ओर बड़े सकारात्मक रूप में वो हमारा ध्यान ले जाते हैं और आपको इसके लिए धन्यवाद। बासगांव सांसद महोदय भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे माननीय विधायकगण, इन्होंने हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, विज्ञान प्रदर्शनी हो, सांस्कृतिक प्रदर्शनी हो, विभिन्न प्रदर्शनियों में उपस्थित होके इन 2 दिनों में हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है, उनका उत्साहवर्धन किया है। हम आप सभी का भी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कोविड पैंडेमिक के लिए प्रशासन एवं सभी विभाग गोरखपुर जनमानस को संक्रमण से बचाव हेतु प्रयासरत हैं और उसके ध्यान में रखते हुए इस महोत्सव का आयोजन करने का प्रयास किया गया है। इस महोत्सव में हमने विकास यात्रा की डॉक्यूमेंट्री, खादी फैशन शो इत्यादि के लिए भी सूचना विभाग से हमें सहयोग मिला है और इसलिए हम अपर मुख्य सचिव सूचना सरकारी स्वागत करते हैं। महोत्सव समिति उन सभी स्पॉन्सर्स जिन्होंने सहायता हमें प्रदान की है, आर्थिक सहायता प्रदान की है और जिसकी वजह से आयोजन संभव हो पाया है, उनको भी धन्यवाद देती है, स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त कलाकारों को, कृषकों को, छात्र छात्राओं को, दर्शकों को, उद्यमियों को,
और विराट जनमानस को जिसने इस दो दिन में अपार संख्या में आके महोत्सव को संभव किया है, सफल बनाया है, उन सभी का भी हम पुनः स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे मीडिया से आए मित्रों का जिन्होंने अपने सकारात्मक विश्लेषण से हमारी कुछ कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और हमें इस महोत्सव को प्रत्येक वर्ष और अच्छा और उत्तम बनाने के लिए हमें इसे प्रेरणा मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश क्रम में गोरखपुर में विकास के कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस क्षेत्र में अति शीघ्र प्राणी उद्यान, रंग कलियों के लिए ऑडिटोरियम और एक्वेटिक्स स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और हम आपके कदमों से उसको शीघ्र ही लोकार्पित कराने में संभव होंगे। इसके साथ साथ नगर क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण का भी कार्य प्रगति पर है और मुझे आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में हम ज्यादातर कार्य पूर्ण कर पाएंगे। नगर क्षेत्र में एम्स गोरखपुर को भी हम उसकी जो आई टी 720 ग्रेड की है इस वर्ष हम लोकार्पित आपके कदमों से कराना चाहेंगे और आपके निर्देश के क्रम में कार्य लगभग अंतिम चरण में। इसके अतिरिक्त विकास की सारी परियोजनाओं पर हम अपनी दृष्टि रखे हुए हैं और हम आपको इस मंच से आश्वासन देते हैं कि हम प्रत्येक कार्य उसकी समयावधि में गुणवत्तापूर्वक करके इस वर्ष हम उसको पूर्ण करेंगे। गोरखपुर टीम कोविड संक्रमण के बचाव में भी प्रयासरत है और हम वैक्सीनेशन का कार्य भी सफलतापूर्वक कंप्लीट करेंगे, ऐसा मेरा परम विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में नई कर्म संस्कृति का जो प्रादुर्भाव हुआ है, सकारात्मक मानसिकता का जनन हुआ है, विभागीय अधिकारियों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया है और विकास के लिए एक सद्भावपूर्ण वातावरण का सृजन हुआ है और इसके लिए हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः महोत्सव समिति की तरफ से समस्त उपस्थित जनों को समिति की तरफ से नमन, अभिनंदन, स्वागतम। जय हिंद, जय भारत। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माननीय के हाथों से करकमलों से विमोचन हो रहा है अभ्योदय का। एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर क्षणों के लिए। धर्म संस्कृति के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है गोरखपुर रत्न से। जोरदार तालियां इन सुंदर क्षणों के लिए। डॉक्टर संजीव सज्जन एवं चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर को चिकित्सा एवं सेवा क्षेत्र में अनवरत किए जा रहे विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आप दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आपको सम्मानित करके सदस्य बोस्टन विश्वविद्यालय की भौतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर को विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान प्रदान किया जा रहा है। खाद्य एवं कृषि के क्षेत्र में FAO के द्वारा सेवा कार्य कर रहे हैं। आपको कृषि क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान एवं काला नमक चावल की 5 प्रजातियों के बारे में खोज के लिए सम्मानित। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की स्थापना एवं मूल्य परक चिकित्सा सेवा के लिए गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ज्योति मस्करा जी, कृपया आप पधारें। ज्योति मस्करा जी उद्योग करने योगदान के लिए गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आप सब जोरदार तालियों से इस सम्मान की शोभा को बहुमूल्य कर सकते हैं। खेल के क्षेत्र से श्री लियोन फ्रांस में भारतीय टीम के आप सदस्य रहे। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। 2017-18 में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में द्वितीय और कॉमनवेल्थ चैंपियन साउथ अफ्रीका में द्वितीय स्थान प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पहलवान कुश्ती के क्षेत्र में आपको गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित प्रतिष्ठा स्थापित करने हेतु अविस्मरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। गोरखपुर के संचालक और राजेश मसाला, आपके विशेष सहयोग के कारण ही आज गोरखपुर महोत्सव का इतना भव्य रूप हम सबके समक्ष है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य प्रायोजकों के लिए।
महोत्सव समिति तथा सचिव गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह सुंदर क्षणों की शोभा को और गरिमामयी और सुंदर रूप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि आज आधुनिक विकास और प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पूर्वांचल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र गोरखपुर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और औद्योगिक विकास के उज्जवल भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। के लिए अनुकूल परिवेश, विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी, और मेट्रो सेवा के साथ गोरखपुर विकास से एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और ईज ऑफ लिविंग में निरंतर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन मोड में किए गए प्रयासों से जहां एक ओर कई दशकों से दिमागी बुखार का कहर झेल रहे पूर्वांचल को इससे मुक्त कराया, वहीं दूसरी ओर अगले 50 सालों के लिए आवश्यक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री सदा शिक्षा की महत्ता पर जोर देते हैं एवं उनकी प्रेरणा से नए शिक्षा संस्थान, विद्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण से नई पीढ़ी एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही है। क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से जहां एक ओर नए रोजगार के अवसर बढ़े, वहीं दूसरी ओर एक स्वच्छ सुंदर नगर की तस्वीर उभर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से आसानी से अब तक वन कामिया समुदाय के लोगों को नागरिकता मिला, समाज की मुख्य धारा में शामिल कर विकास योजनाओं से जोड़ा है। आज वन कामिया समुदाय के किसान देश के सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं। किसानों के साथ मिलकर के एफपीओ का गठन किए हैं, खेती जो है सबके साथ मिला करके करते हैं। आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपने उठा तो किया लेकिन छोटे 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 300 किसान तक आप पहुँच गए। मैं मानता हूँ महाराज गंगा आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी। सरकार द्वारा कराए गए चहुंमुखी विकास कार्यों से आज गोरखपुर विश्व पटल पर अपने गौरवशाली इतिहास के साथ विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है। काम करता योगी सरकार। श्री रवि किशन शुक्ला जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री जयप्रकाश सिंह निषाद जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, काशी से पधारे सर्वबाबा आश्रम के श्री महंत महामंडेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, अपर मुख्य सचिव सूचना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्री नवनीत सहगल जी, गोरखपुर महोत्सव आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, गोरखपुर के मंडलायुक्त
महानिरीक्षक जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत टीम के सभी सदस्यगण गोरखपुर रत्न से सम्मानित होने वाली सभी विभूतियां और इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले सभी महानुभावों को मैं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जब गोरखपुर महोत्सव के बारे में जानकारी मिली तो दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोगों का कहना था नहीं मनाया जाना चाहिए था, कुछ कह रहे थे मनाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन होना, कल मकर संक्रांति का आयोजन होना और 16 जनवरी से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें अंतिम प्रहार कोरोना वैक्सीन के साथ ही 16 जनवरी से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में किसी आपदा से कैसे लड़ा जाना चाहिए, आपने पिछला वर्ष का लगभग 3/4 भाग या अगर मैं कहूं कि 80% जो भाग था पूरे वर्ष का वह कोरोना से लड़ते हुए जूझते हुए बसते हुए व्यतीत किया। लेकिन वर्ष 2021 का पूर्वार्ध हम लोगों को एक शुभ समाचार लेकर के आया है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जिस लड़ाई को मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए उनकी आजीविका को भी बचाने और नए नए अवसर प्रदान करने का कार्य तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। और मकर संक्रांति के तत्काल बाद एक कार्यक्रम होगा, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और आप सब का आह्वान करूंगा कि अपने बारी का इंतजार करें। ये मान के चलिए कि हम लोगों ने पिछले 10 महीनों के दौरान जो संयम, जो अनुशासन और जिस मर्यादा का पालन किया है, ये अनुशासन और ये मर्यादा ही कोरोना पर हमारी विजय का सबसे बड़ा राज है। हम जितने अधिक सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जितनी रचनात्मक ऊर्जा हम लोक कल्याण के अभियान में लगा रहे हैं उसी का परिणाम है। और जब खुशखबरी आती है तो महोत्सव जैसा अवसर होता ही है, गोरखपुर महोत्सव उस खुशखबरी का ही एक पहली मंजिल है जिसको आयोजित करने का श्रेय गोरखपुर के प्रशासन को प्राप्त होता है, जिन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के पता नहीं और लोगों को इंतजार रहा होगा न रहेगा, लेकिन रवि किशन जी को प्रसन्नता जरूर हुई होगी इस महोत्सव के कार्यक्रम से। इसलिए महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ इस भीषण शीतलहरी में इतनी बड़ी संख्या में आप सब कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आप सबको मकर संक्रांति के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में जीवन निराशा का नाम नहीं है, हताशा का नाम भी नहीं है, प्लान का नाम भी नहीं है। जीवन तो उत्साह का नाम है, उमंग का नाम है, लेकिन जीवन में अनुशासन और मर्यादा भी होनी चाहिए। इस महोत्सव ने एक बार फिर से इसे साबित किया है। अनेक कार्यक्रम हुए विगत वर्ष तक, तीन तीन दिनों तक ये महोत्सव चलता था। मैंने कहा महोत्सव होने चाहिए, लेकिन महोत्सव दो दिन का ही हो, लेकिन दो दिन का महोत्सव जरूर करिए, क्योंकि ये हमारे लिए आगे के रास्ते खोल रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में एकदम लॉकडाउन था, बाद में मार्केट भी बंद रहे कई दिनों तक, फिर सप्ताह में एक दिन दो दिन खोलने की बात आई, फिर ये हुआ कि एक निश्चित समय को खोलना है, कभी दिन का कर्फ्यू, कभी रात्रि का कर्फ्यू, कभी एक मार्केट बंद, कभी दूसरी मार्केट बंद, और अंत में ये रहा कि नहीं अब तो सब कुछ खोलना ही खोल ही देना चाहिए, अब कोरोना से कायदे से लड़ी लेते हैं। और उसका परिणाम रहा कि हम लोगों का आंकलन एकदम सही था। हम लोग डरेंगे तो कोरोना पीछे पीछे आएगा, हम लोग अनुशासित ढंग से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इससे लड़ेंगे तो कोरोना परास्त होगा, और यही हुआ देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। बहुत बड़ा काम किया है आप लोगों ने, बड़े संयम का परिचय दिया, बड़े सब्र का परिचय दिया, और उस संयम और सब्र के कारण आज हम लोग सफलतापूर्वक इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर और पूर्वांचल विकास के एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन उनका सानिध्य से एक नई ऊंचाइयां दिया है। आज गोरखपुर ने 1990 में बंद पड़ चुका खाद कारखाना इस 21 में फिर से धुआं उठता दिखाई देगा। कभी 1977 में बीमारी आई थी और बीमारी यहां के मासूम बच्चों को निकल जाती थी, हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत एक छत के नीचे हो जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बीमारी को समाप्त करने का संकल्प लेने के लिए गोरखपुर में एम्स भी दे दिया, और यह वर्ष जब 2021 में एम्स भी गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त होगा, फुल फ्लेज एम्स कार्यकर्ता हुआ दिखाई देगा गोरखपुर में। गोरखपुर में बंद पड़ चुके चीनी मिले फिर से प्रारंभ हुई है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ यहां के लोगों को प्राप्त होना ही चाहिए। आप सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को देख रहे होंगे, पहले सिंगल लेन की सड़क घंटों जाम में रहना पड़ता था। आज के कार्यक्रम में कालीबाड़ी के बाबा को जाना था, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि गीता प्रेस की तरफ की रोड रोड पूरी तरह जाम है, वे वहीं पर जूझ रहे होंगे। लेकिन जब तक इन सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य करने की हिम्मत हम लोग नहीं जुटाएंगे, तब तक विकास वास्तव में हमारे पास आएगा नहीं, हमसे दूर भागेगा। और अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार देना है, नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना है तो हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाना ही पड़ेगा। सड़कें चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही, लोगों का आवागमन उतना ही सहज और सरल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर का एयरपोर्ट आज 9-9 फ्लाइट, कहीं से भी आप देश के अंदर कहीं भी जाना चाहेंगे, गोरखपुर के एयरपोर्ट से वहां की सुविधा प्राप्त होगी। बहुत शीघ्र कुशीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में ही बन रहा है, यहां से मुश्किल से एक घंटे की दूरी पे कुशीनगर आपको बेहतरीन सुविधा देगा। और गोरखपुर वासियों के पास तो रामगढ़ ताल है, हम सी प्लेन भी उतारेंगे यहाँ पे बहुत शीघ्र। यानी सी प्लेन एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे वह
एयरपोर्ट पर एयर स्ट्रिप पर भी वो प्लेन उतर सकता है और पानी में भी उतर सकता है। तो ये सुविधा हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, बहुत शीघ्र वाली व्यवस्था यहाँ के लिए करने जा रहे हैं। एक आधुनिक सुविधा, अगर आपको लगता है कि जैसे पहले नंदा नगर में लोगों को बहुत देर तक अगर किसी को दिल्ली जाना होता था और नंदा नगर में रेलवे की कृपा होती थी, गेट बंद हो गया तो उनकी फ्लाइट छूट जाती थी और बेचारा सिर पीटते रह जाता था, आज हमने वहां अंडरपास दे दिया है, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अंडरपास से आप निकल किसी भी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन सबके बावजूद भी अगर आपको लगता है एयरपोर्ट दूर है, दूर हो रहा है, यद्यपि दूरी दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को लगता है तो सर्किट हाउस के पास आएगा, यहीं से उसको सी प्लेन से हम लोग किसी भी अन्य जगह पहुंचाने की व्यवस्था करवा देंगे, देश के किसी भी कोने में हो जाएगा, इस प्रकार की सुविधा भी हमें यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। विकास आज की आवश्यकता है, ये लोगों के जीवन में परिवर्तन करेगा, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा, लोगों की सोच को सकारात्मक करेगा, और ये सकारात्मक सोच ही जीवन में हम सबको आगे बढ़ने के लिए नित नई प्रेरणा प्रदान करता है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने अपनी सोच को सकारात्मक रखा, विकास पर रखा। आज से नहीं, मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूं, जब भी मैंने किसी एक आह्वान के बाद 7 गोरखपुर वासियों को जोड़ा, एक एक गोरखपुर का वासी हर प्रकार के उससे ओवर उठ करके गोरखपुर के लिए सड़कों पर हमारे साथ जूझता हुआ दिखाई दिया है। ये जज्बा गोरखपुर के विकास को, पूर्वांचल के विकास को हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है और आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कुछ नया करने के लिए करता हुआ दिखाई देता है। ये नयापन, इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु गोरखपुर ही है। इस प्रेरणा के केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका सानिध्य है। एक नई व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और परसों से जब 16 जनवरी से टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ होगा तो देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की पिछली सदी के सबसे बड़ी महामारी से कैसे जूझा भारत और कैसे हमने बेहतर परिवर्तन करके देश के सामने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, यह अपने आप में विषाद हो सकती है लेकिन हमें आगे भी बचाव और सावधानी बरतते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। 2021 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। देश की आजादी की लड़ाई को इसने नया मोड़ दिया था। चोरी चोरा महोत्सव के कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना है। पूरे प्रदेश के अंदर हर शहीद स्मारक पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होंगे। हर एक स्तर पर हम लोग कुछ ना कुछ नयापन देने का प्रयास करेंगे, अपने शहीदों को, अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले उन महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चोरी चोरा से प्रारंभ करके प्रदेश के हर शहीद स्मारक पर इन कार्यक्रमों के आयोजनों को जोड़ना है। इसके लिए व्यापक कार्य योजना राज्य स्तर पर भी बन रही है, जनपद स्तर पर भी तैयार हो रही है और हर एक स्तर पर इन कार्यक्रमों को बनाने के साथ ही आजादी की लड़ाई में जूझने वाले उन सभी महापुरुषों के पुनः स्मरण हमारी आने वाली पीढ़ियां कर सके, उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। जिन्हें जानबूझ करके पाठ्यक्रमों से हटाने का अब तक प्रयास हुआ है, ये शरारतपूर्ण प्रयास को बेनकाब करते हुए हम अपने उन महापुरुषों को फिर से ससम्मान स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाएंगे। ये सभी कार्यक्रम हमारे 2021 में प्रारंभ होने जा रहे हैं और गोरखपुर का
मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जो भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको तो जू में ही रखना आवश्यक है, तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, हमको जू में रखना ही आवश्यक होगा। और वह भी एक नई तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं, गोरखपुर का जू प्रदेश का सबसे खूबसूरत जू में से एक बनने जा रहा है। आप जाएंगे परिवार के साथ मनोरंजन के लिए जाइए, वो रामगढ़ ताल के साथ ही पूरे दिन भर के लिए एक नई व्यवस्था, हम लोगों ने थाना भी दे दिया है सुरक्षा के लिए, रामगढ़ ताल के किनारे एक थाना भी होगा, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे ऑडिटोरियम भी देंगे। हमारा प्रयास होगा इस बार हम लोगों को इतनी भीषण ठंडी में बाहर पंडाल लगा करके कार्यक्रम करना पड़ा, अगले वर्ष तक ऑडिटोरियम भी हम आपको एक अच्छा ऑडिटोरियम देने जा रहे हैं, आपको इसी सड़क पर यही के बगल में ही है बहुत आधुनिक ऑडिटोरियम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ गोरखपुर के विकास, पूर्वांचल के विकास की रूपरेखा उस ऑडिटोरियम के माध्यम से, वहां पे बने कॉन्फ्रेंस हॉल जो है उन सब के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हर एक स्तर पर विकास की इस प्रक्रिया को नए सिरे से रेखांकित करने का जो प्रयास हुआ है, जिसके साथ सकारात्मक रूप से हम सब का जुड़ाव होना चाहिए, ये महोत्सव उसी का हिस्सा। गोरखपुर गौरव से आज बहुत महान कुछ हमारी विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने गोरखपुर का नाम अलग अलग फील्ड में देश के सामने, राज्य में, प्रदेश में और दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। व्यक्ति का प्रयास सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक प्रयास इस बात को प्रदर्शित करेगा कि हाँ मैं भी इस विकास का, मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं, और ये सकारात्मक प्रयास ही निरंतर हमें एक नित नई प्रेरणा प्रदान करता है। और ये जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं ये महानुभावों का सम्मान उसी का ही हिस्सा है। देश अलग अलग फील्ड में बहुत नाम थे, कुछ लोगों को इस बार सम्मान किया गया, कुछ लोगों को अगली बार सम्मान होगा, मैंने इस बारे में प्रशासन से कहा है एक सूची तैयार करिए, और गोरखपुर गौरव के नाम पे 5-7 ऐसे लोगों को हर वर्ष चिन्हित करिए अलग अलग फील्ड में, किसी ने कृषि के क्षेत्र में, किसी ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी ने रोजगार के क्षेत्र में, किसी ने यहाँ पे उद्यम स्थापित करने में, किसी ने कला के क्षेत्र में, किसी ने संस्कृति के क्षेत्र में, किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के जिस भी फील्ड में जिसमें देश के अंदर लोग मंगल की कामना जिसके माध्यम से जागृत हो सकते हो, लोग मंगल और लोक कल्याण का मार्ग कहां से प्रशस्त हो सकता हो, ऐसे जिस भी फील्ड में जिसने काम किया है ऐसी महान विभूतियों को हम लोगों को हमें करना चाहिए अलग अलग फील्ड में, किसी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने वकालत के क्षेत्र में काम किया होगा वह भी तो लोक कल्याण के ही माध्यम है, किसी ने जनसेवा के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने और भी अन्य अलग अलग फील्ड है, इन सभी फील्ड में आप चिन्हित करिए, आवश्यक नहीं कि सबको एक ही बार में हम लोग करते, लेकिन अलग अलग बार और फिर इनकी सूची बनाइए, इनके सुझाव मांगिए, जब आप उनको मंच में लाते हैं तो उनका परिचय भी दीजिए कि आप नाम ही मत बताइए, ये भी बताइए किस फील्ड की विभूति है, क्या इन्होंने काम किया है, उनका परिचय भी वहां पर दिया जाना चाहिए, जिससे जनता जनार्दन को जानकारी मिल सके, बहुत सारी नई आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा भी प्राप्त होकर के भी उसके रूप बनने का कार्य कर सके। यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बार प्रशासन ने अपने स्तर पर यहाँ पर कुछ सूची तैयार की, अन्य लोगों को एक क्रम का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी मना रहे हैं। 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाया गया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद से लेकर के उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम कभी नहीं मनाया गया। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो पहली बार एक आयोजन 2018 में आयोजित हो पाया, और 2018 का पहला कार्यक्रम हम लोगों ने उस अवसर पर पहला जो
एक अभिनव योजना प्रारंभ की थी, वह की थी एक जनपद एक उत्पाद की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय योजना है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। यूनियन बजट में उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट को भी उसका पार्ट बनाया, यूनियन बजट में भी उसके लिए व्यवस्था दी है। और आत्मनिर्भर भारत का आधार भी कोई बन रहा है तो वह एक जनपद एक उत्पाद की, यानी वोकल फॉर लोकल, ये इसी उसका आधार ही वही है। ये हमें किस रूप में आत्मनिर्भर बनना है इसकी एक प्रदर्शन है। और उसकी एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दीपावली के एक दिन पहले मैं लखनऊ में था, लखनऊ में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने एक प्रदर्शनी लगाई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें गोरखपुर का टेराकोटा भी था। और गोरखपुर के इस टेराकोटा के जो वहां पे हस्तशिल्पी गए हुए थे, तो मैंने इच्छा व्यक्त की, मुझे वहां से अयोध्या जाना था, तो मैंने लखनऊ से मैंने कहा भी जो हस्तशिल्पी आए हुए हैं इन लोगों के एक बार बुलाए मुख्यमंत्री आवास पे, मैंने उनको आमंत्रित किया। तो औरंगाबाद का ही वो कलाकार हस्तशिल्पी था, तो मैंने उसको कहा, मैंने तो हिचकते हुए पूछा, मैंने कहा कोरोना काल है पता नहीं बिक्री हुई कि नहीं हुई, मैं पूछूंगा बेचारे को कहीं ऐसी ना हो कि नाराजगी हो जाए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या कुछ बिक्री भी हुई है प्रदर्शनी में आपकी? उसने कहा साहब इसी के लिए तो मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं। उसने मुझे बताया, उसने कहा कि 3 दिन में मेरी 8 लाख रुपए की बिक्री हुई है, यानी टेराकोटा का सामान 8 लाख का बिका है उसका प्रदर्शनी। आप सोचिए गोरखपुर के एक छोटे से गांव, जो लोग गुलरिया बाजार में गए होंगे, गुलरिया बाजार के पश्चिम की तरफ गांव पड़ता है, जो कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का मैं सांसद था, उस गांव में मैं जाता रहता, उधर से होते हुए निकलता था तो मैं देखता था। अब आप सोचिए कि एक गांव से निकला हुआ हस्तशिल्पी और ऐसे दर्जनों हस्तशिल्पी हैं गोरखपुर में टेराकोटा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया। आपने देखा होगा इस बार दीपावली के अवसर पर, इस बार की दीपावली बहुत विशिष्ट थी, कोरोना था लेकिन तब भी लोगों ने खूब उत्सव और उमंग के साथ दीपावली मनाई थी। और ये अलग नयापन ने क्यों आ रहा था? क्योंकि कई दशकों के बाद दीपावली में दीपक भी और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा भी चीन से नहीं आया था, भारत के ही कारीगरों ने जो बनाया था उसने इस दीपावली के उत्सव को बहुत उमंग और उत्साह से भर दिया था। ये उमंग और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल के इस संकल्प के साथ हम सबको जोड़ता है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दृश्य एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे, रेडीमेड गार्मेंट्स का हब बनने की क्षमता है, प्रयास तो करें, एक एक को आगे आना पड़ेगा। हम लोग तो यहाँ पे 2008-09 में एक टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत करवा दिए, आगे योजना बन नहीं पाई। विकास के मार्ग में बाधक नहीं बल्कि हमें उसमें सहभागी बनना पड़ेगा, और सहभागी बनकर के उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। याद रखना, जब व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, मैं और मेरे से ऊपर उठकर के काम करता है, तो वह सकारात्मक दृष्टिकोण उसके स्वयं के लिए भी बहुत अनुकूल हो जाता है और समाज और राष्ट्र तो पूरा उसका लाभ उठाता ही उठाता है। और सकारात्मक दृष्टिकोण विकास के प्रति हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चोरी चोरा की घटना का यह 70वीं वर्ष प्रारंभ होने का अवसर भी है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहूंगा कि यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? खादी उसका एक माध्यम बन सकता है।
लोकल प्रोडक्ट उसका माध्यम बन सकता है। हमने इसीलिए जो थीम दी है पूरे कार्यक्रम के लिए भी वो स्वदेशी का दिया है, स्वच्छता का दिया है और स्वावलंबन का दिया है। ये पूर्वांचल के लिए और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि ये जो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर की बीमारी है, गंदगी इसका मूल आधार मूल कारण है। स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन ने हर घर में शौचालय दिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई तो बीमारी 95% से अधिक मौत के आंकड़ों को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। एक सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी और सफलता को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी को, स्वच्छता को, स्वावलंबन को, स्वावलंबन का आधार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के रूप एक जनपद एक लोकल प्रोडक्ट उसका आधार बनेगा। और इसी को थीम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर गौरव से सम्मानित होने वाले जितने भी हमारे यहाँ मेहमान जो विभूतियां हैं जिनको आज इस मंच पर सम्मानित किया गया है, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आयोजन में सहभागी बनने वाले जितने भी कलाकार थे, जितने भी कर्मी थे, संस्कृति कर्मी थे या अलग अलग विधा से जुड़े हुए जो महानुभाव थे, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों जिनकी सकारात्मक भूमिका के कारण यहाँ का प्रशासन इस कोरोना कालखंड में और भीषण शीतलहरी के बीच इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम को यहाँ पर आज संपन्नता की ओर अग्रसर कर रहा है, क्योंकि कार्यक्रम जल्दी संपन्न हो कल बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाने के लिए सभी लोग जाएंगे और इसीलिए हम लोग भी उसकी तैयारी में मैं स्वयं भी आया हूँ कि व्यवस्था देख सकूं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। आप सबको मैं फिर से मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल हम लोग मकर संक्रांति पर्व पर एक डाक टिकट भी जारी करने जा रहे हैं, 10 रुपए का डाक टिकट होगा, आप देखेंगे गोरखपुर की पहचान बनेगा डाक टिकट। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की एक डिजिटल डायरी वो भी हम कल लोकार्पण करने जा रहे हैं। कागज जब नहीं है तो स्मार्टफोन हर एक के पास आ गया है, डिजिटल की बात करेंगे तो हर एक पक्ष डिजिटलीकरण की तरफ जाएगा और इसका बहुत लाभ होने जा रहा है। डिजिटल डायरी को भी कल हम लोग लॉन्च करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का, कब कब कौन कौन से कार्यक्रम होने जा रहे हैं, कब कौन प्रो करने जा रहे हैं, सारी सूचनाएं उसके साथ हम जोड़ करके आपको उपलब्ध करवाएंगे। कल बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का गोरखपुर महोत्सव को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आपको सभी को मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अपनी बारी का इंतजार जरूर करेंगे, वैक्सीन लगाने के लिए हड़बड़ी नहीं करेंगे, सीना झपटी भी नहीं करेंगे। जब जिसको जहां बुलाया जाए वे ही केंद्र में जाएंगे, उससे भीड़ नहीं, उतावलापन भी नहीं, विमान के चलिए सबकी बारी आएगी, लेकिन उतावलापन नहीं दिखाना है। जब देश के प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन कर रहे हो तो फिर कोई उतावलापन नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। जब हमारी बारी आएगी तभी हम वैक्सीन लगाएंगे और उस बारी के साथ जोड़ करके कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सांसद गण, हमारा जो क्षेत्रीय सांसद हमारा किशन जी, हमारा केवल पार्टिसिपेट नहीं किए ऐसे कलाकार के रूप से भी अपने योगदान दिए, आपके दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। और हमारा
बाजराव क्षेत्र का कमलेश पासवान सांसद जी, जयप्रदा निशा जी, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ आए हुए सारे विधायक, हमारे क्षेत्रीय विधायक राधे मोहन अग्रवाल जी, फतेह बोधन जी, संत प्रसाद जी, विपिन सिंह जी और संगीता यादव जी, आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। लखनऊ से एसीएस सूचना नवनीत सहगल सर, आपको भी धन्यवाद सर। और यहाँ हम लोग कार्यक्रम में कितने कलाकार पार्टिसिपेट किए, सभी को धन्यवाद। और हमारे साथ ये हमेशा व्यापारी लोग और उद्यमी लोग, स्पॉन्सर लोग, सभी धन्यवाद। और मीडिया साथियों, बिना आपका हम लोग घर घर पहुंचा नहीं सकते। डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से, पेपर के माध्यम से, तमाम माध्यम से हम लोग का इन्फॉर्मेशन मंच से हर घर पे पहुंचा है, इसलिए तो आपका धन्यवाद। और सभी जो गोरखपुर वासियों, सभी को हम लोग जिला परिषद की तौर से और महोत्सव समिति के तौर से धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की प्रेरणा से पैडलेगंज स्थित गौतम बुद्ध द्वारका निर्माण और फिर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जब देश प्रेम की बात आती है तो हम सभी के हृदय में बड़े ही उत्साह के साथ समर्पण और त्याग की भावना पैदा होती है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज 75 मीटर यानी कि 246 फीट राष्ट्र ध्वज का वर्चुअल उद्घाटन लोकार्पण अपने घर कमलों से करें। जनता जी बाबू राजा वाला सबके प्रणाम। महाराज जी अचानक
जो आ भी रहा था वो भी भूला गया। प्रयास करें महाराज जी क्षमा के लिए कौन त्रुटि हुई। सर्वे विदु सर्वा विदु बोल रहा है काशी इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। लाखों हजारों कारीगरों के साथ ये काम करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, और महात्मा गांधी से लेकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना और मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी का सपना, लेजेंड